नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल यूट्यूब के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण माताओं बहनों के लिए आज तक मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था, इसलिए माताओं बहनों के लिए आज एक विशेष जानकारी जो मैं जानता हूं और हमारे पुरातन ग्रंथों में वर्णित है। इसमें ऋषि मनु, ऋषि कश्यप, सुश्रुत, इन लोगों ने हमारे जो गर्भ धारण करने की प्रक्रिया के ऊपर पूरा एक पुरातन, बहुत पुरातन विज्ञान है उसके बारे में बताया है। तो कैसे गर्भ धारण करना चाहिए, कैसे गर्भ को सुरक्षा करना चाहिए, गर्भ धारण के समय क्या क्या करना चाहिए। आपने देखा होगा भागवत गीता में अभिमन्यु के समय वो जो उसको चक्रव्यूह तोड़ने वाली बात बताई गई थी कि वो फिर माता सो गई थी तो आधा ही रह गया, घुस गया, बाहर निकलना उसको, यह बात 100% सही है। हमारा पुरातन विज्ञान बहुत अच्छा है। मेरे से कई लोग जो साइंटिफिक हैं या जो साइंस वाले जो लोग हैं, कई वैज्ञानिकों के फोन आते हैं, उनका कहना है कि आप जो भी बात बताते हैं वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सत्य नहीं प्रतीत होती। एक बात बताइए आप, भारतीय पुरातन विज्ञान जिसके ऊपर आजकल एंशियंट एलियंस का सीरियल भी बन रहा है, पूरे बड़े बड़े साइंटिस्ट उसमें, भारत का सबसे लिखित, पूरी दुनिया में सबसे लिखित शास्त्र हमारे चारों वेद 5,500 साल पहले के लिखे हुए, इससे पुरातन संसार में कोई चीज लिखित नहीं है। और साइंस तो आपका भौतिक साइंस जो है, आज आपको पैदा हुआ मुश्किल से मात्र कितने वर्ष हुए, 50-60 साल समझ लीजिए, जो पूरा अभी आया है स्विम पे, पहले तो 50 साल में पहले तो थोड़ी थोड़ा चालू था, तो बच्चे ही अवस्था में आपका साइंस। तो साइंस मान लीजिए आपका हाथ है, कोई हाथ पूरे शरीर को कैसे पकड़ सकता है, पकड़ ही नहीं सकता। अध्यात्म जहां से साइंस की सीमा खत्म होती है वहां से भारतीय अध्यात्म शुरू होता है, वो कैसे पकड़ोगे आप उसको, और कोई आवश्यकता नहीं है। भारतीय साइंस जो है, भारतीय पूरा जो आपका अध्यात्म है वो किसी साइंस का मोहताज नहीं है, उसको कोई आवश्यकता नहीं है। आप मानिए चाहे ना मानिए, मेरा आप सबसे निवेदन है, जितने भी बड़े बड़े कटाक्ष करते हैं इस बात को, वो उनसे मेरा यही निवेदन है कि आप भारतीय मनोविज्ञान, भारतीय विज्ञान को अपने भौतिक विज्ञान से कंपेयर मत करिए। आपका 2 कौड़ी का है साइंस, और जो कुछ हमारे भारतवर्ष में था या हमारे पुरातन ग्रंथों में, उसकी तोड़ पूरी दुनिया में नहीं, यहीं से यूनान गया, यहीं से पारस गया, यहीं से सब जगह फैला। तो उस बात को मैं पुष्टता से, हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने जो कुछ भी कहा है वो सत्य है। अब मैं आपको बात करता हूँ माताओं बहनों के लिए विशेष बात। सबसे पहली बात तो यह है कि जो पुराने समय में आपने देखा होगा MC पीरियड का जो कपड़ा है उसको जलाती थी माताओं बहनें, उसको बाहर कभी नहीं फेंकती थी। ये बहुत बड़ा साइंटिफिक है। आपने देखा होगा कि जो हमारी असम में जो देवी है वहां पर ये इस तरह का बोलते हैं कि वहां का जो एक माता जी है वो ये MC पीरियड में रहती है और वहाँ का जो कपड़ा मिलता है, तो जो वो जो कपड़ा है वो साधारण कपड़ा नहीं है, इसलिए पुरानी माताएं बहनें उसको जला देती थी। यदि आपने उसको बाहर फेंका और धोखे से अगर किसी गाय ने उसको खा लिया तो वो माता बहना जीवन भर सुख प्राप्त नहीं कर सकती, ये तंत्र बोलता है भारत का। नंबर दूसरी बात, जब भी गर्भ धारण करना हो या जब भी पति के संग पत्नी जावे तो MC पीरियड के 4th दिन जाना चाहिए। पहले दिन अगर गई, दूसरे दिन गई और अगर तीसरे दिन गई तो जो गर्भ में बच्चा पैदा होगा उसकी मृत्यु निश्चित है, वो बच नहीं सकता। 4th दिन से ऐसा कश्यप ऋषि कहते हैं कि 4th दिन का किया हुआ संगम अच्छा पुष्ट बच्चा पैदा होता है। अब बात करते हैं कि गर्भ धारण के समय क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक तो जितना भी मांस मटन इस तरह के जो गर्म प्रकृति के भोजन है महिलाओं को ग्रहण नहीं करना चाहिए। साधारण जो मूंग की दाल, रोटी और इस तरह के जो चीज़ें हैं उनका, फल फूल इस तरह की चीज़ों का ग्रहण करना चाहिए। गर्भ काल में कभी अधिक सोना नहीं चाहिए, अधिक अगर मांस होगी तो बच्चा आलसी पैदा होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मनु, सुश्रुत और कश्यप ऋषि ने लिखा, इसका विज्ञान है बहुत बड़ा, गर्भ विज्ञान। दूसरा है काजल लगाना, अगर माता काजल लगाती तो बच्चा जन्मांध पैदा होगा,
जन्म से अंधा पैदा होगा। अधिक कर्कश ध्वनि सुनेंगी माताएं बहने तो बच्चा बहरा पैदा होगा। अधिक माता बहन अगर रोएगी तो बालक की दृष्टि दोष निश्चित रूप से होगी। अधिक माता बहन अगर ज्यादा दौड़ेंगी तेजेंगी या गाड़ी घोड़ा में ज्यादा सफर करेगी तो बालक चंचल पैदा होगा। ये सब पुरातन ग्रंथों में वर्णित है। अधिक हंसना, अधिक हंसने से बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा बोलने वाला बकवासी टाइप का पैदा होगा। इसी प्रकार से अधिक कंघी करने से, अधिक साज सज्जा या अधिक कंघी नहीं करना चाहिए, उससे बच्चा जन्म से जिंदगी भर के लिए वो टकला पैदा होगा, उसके बाल कम होंगे। ये इस तरह से हमारी चीजें लिखी। पहले हमारे समय में क्या होता था, पुरातन काल में क्या होता था कि बच्चे को जन्म देने के लिए गर्भ की ये सब चीजों को एकत्र करके और फिर उस बच्चे को जन्म दिया जाता था। बाई प्रोडक्ट नहीं होता था बच्चा का, संभोग का बाई प्रोडक्ट बच्चा नहीं होता था। बच्चे को एक विशेष परिस्थिति में जन्म कराया जाता था अपनी आवश्यकता अनुसार। माता बहन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है भगवान ने जो उनको दी है गर्भ, गर्भाशय दिया हुआ जो किसी संसार में किसी के पास नहीं है। चाहे टेस्ट ट्यूब भी पैदा करो, चाहे कुछ भी पैदा करो, माँ के गर्भ में रखने बिना बच्चे का जन्म नहीं कराया जा सकता, क्योंकि आत्मा का प्रवेश वही होता है। तो माताएं बहनें जो है हमारी बहुत महत्वपूर्ण है भारतवर्ष की। वो कोई काम की या कोई इस तरह की कीड़ा क्रीड़ा की चीजें नहीं है, बड़ी सम्मानित चीजें हैं और बहुत पुरातन काल से उनको सम्मान दिया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि कभी भी पत्नी के साथ समागम त्रयोदशी, पूर्णिमा, अमावस्या और परिवार, मतलब शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दो होते हैं, इनमें ये चारों तिथि होती, इनको छोड़कर ही समागम करें तो बच्चा बलिष्ठ पैदा होगा और बुद्धिमान पैदा होगा। अब मैं अगली बात आपको बताता हूं। अगली बात ये है कि कैसे आजकल आपने देखा होगा हर डॉक्टर लोग बेवकूफ बना के बोलते हैं सिजेरियन ऑपरेशन, जरा से बाहर माता बहनों को डरा देते हैं, लाखों रुपए ले लेते हैं और बोल देते हैं सिजेरियन होगा। पुराने समय में ऐसा नहीं था। तो मैं एक युक्ति बताता हूं जिससे बच्चा नॉर्मल डिलीवरी पैदा होगा। सिजेरियन से पैदा हुआ बच्चा कभी भी बलिष्ठ और निर्भय नहीं होगा, डरपोक पैदा होगा, हर छोटी छोटी चीजों से वो डरेगा। किसने जीवन में पहले ही कदम पे कष्ट नहीं उठाया वो जीवन में कैसे दूसरे कष्टों को सहन कर पाएगा, उसकी सामर्थ्य वहीं खत्म हो जाती है। उस समय माँ और बच्चे दोनों जन्म होते हैं और जब वो योनि द्वार से कष्ट से निकलता है तो फिर जीवन के कोई सा भी कष्ट उसको जीवन में विचलित नहीं कर पाता। ये साइंस है गर्भ का। अब अगली बात मैं आपको बता देता हूं। अगर मान लीजिए माताओं बहनों को आप जो सातवां आठवां महीना चालू हो, आठवें महीने से एक एक चम्मच चार बार माह में सरसों का इसका कैस्टर ऑयल पिला दें और जब पूरा समय आ जाए, नौवां माह जब पूरा आ जाए और वो दिनांक आ जाए, उस दिनांक के पहले 50 ml उसको अगर कैस्टर ऑयल पिला दिया जाएगा तो डिलीवरी बिल्कुल नॉर्मल होगी। इसके अतिरिक्त भी अगर कोई तकलीफ हो रही हो तो यहाँ पर मैं एक यंत्र बताता हूँ। ये दो यंत्र हैं, इसको पास से देख लें। ये दो यंत्र हैं, ये एक ऊपर है और एक नीचे है। ऊपर वाले यंत्र को आपको भोजपत्र पे अष्टगंध से बनाना है। भोजपत्र से अष्टगंध पे बना के उस माताओं को जो प्रसव में पड़ी हुई है, कष्ट में पड़ी हुई है, उसको दिखा दीजिए और इसको पानी में घोल के उसको पिला दीजिए, बच्चा तत्काल पैदा हो जाएगा। नीचे वाला यंत्र जो है आप कांसे की थाली में बनाइए, कांसे की थाली में बना लीजिए, अष्टगंध से बनाइए और उसमें पानी डाल के ये पानी उसको पिला दीजिए, बच्चा तत्काल पैदा हो जाएगा। एक और मंत्र है जिसको आप लिख लें। अगर इस मंत्र को मैं बोल देता हूं, इस मंत्र को यदि आप पढ़ेंगे तो और उसकी क्या बोलते प्रसूति के कान में पढ़ देंगे तो बच्चा तत्काल पैदा हो जाएगा। ये मंत्र है बन में ब्यानी यानी पैदा होना, बन में ब्यानी बांदरी कच्चा फल खावे,
वन में ब्यानी बांदरी कच्चा वन फल खाए, और धवई यानी श्री धवई धवई श्री राम की तुरंत प्रसूति हो जाए, धवई श्री राम की तुरंत प्रसव हो जाए। ये मंत्र को अगर आप प्रसूति के कान में बोल देंगे तो बच्चा तत्काल पैदा हो जाएगा। ये यंत्र और तंत्र की सामर्थ्य है मित्रों। तो इस तरह से हमारा ये पूरा गर्भ विज्ञान है। ये तो मैंने इसकी कुछ खास खास चीजें आपको बता दी, नहीं तो ये बड़ा बृहद है, इसके ऊपर बोलने के लिए तो कम से कम 4 घंटे भी लगे तो कम है, परंतु मैंने उन शास्त्रों का अध्ययन करके उसमें से मूल बातें आपको बता दी। मूल बातों को आप याद रखें और इनका प्रयोग माताएं बहनें जीवन में करें। इसी के साथ साथ यदि आप कागजंगा फिर भी अगर बच्चा नहीं हो रहा हो तो कागजंगा मैंने मेरा वीडियो डाला हुआ है, और अपामार्ग ये दो पौधे होते हैं, कागजंगा और अपामार्ग, शनिवार के दिन अभिमंत्रित करके आपको मालूम है आपके घर में प्रसव होने वाला है, शनिवार के दिन जाइए बढ़िया और पूजा पाठ करके 2 अगरबत्ती लगा के और बड़े हाथ जोड़ के कि हम प्रसव काल के लिए अपनी पत्नी अपनी बहन अपनी बेटी जिसके लिए भी हम इसको जड़ी को हम कर लेने आएंगे, और आप सवेरे बिल्कुल नहा धो के इतवार के दिन सुबह जाइए, हाथ जोड़ के कुछ प्रसाद ले जाइए, वहाँ छोड़ के एक लाल कपड़ा ले जाइए, उसमें किसी उससे नहीं खोदना है, इसको किसी अस्त्र से नहीं खोदें, लकड़ी का अस्त्र खोद लें या उखाड़ लें, उत्तर की तरफ मुंह करके उखाड़ लें और हाथ से उसको तोड़ लें और लाल कपड़े में अलग अलग बांध के रख लें। ये दोनों अलग अलग हैं, चाहे तो कागजंगा का उपयोग करें चाहे अपमार्ग का उपयोग करें। और जैसे ही प्रसव में तकलीफ हो रही हो तो एक कलाई जो होती है उसमें बांध के कमर में बांध दीजिए, 5 मिनट में बच्चा बाहर आ जाएगा और तुरंत उस कलाई को खोल के अलग कर दीजिए तो प्रसव आराम, चाहे मूड गर्भ हो चाहे मरा हुआ गर्भ हो। और अगर आपने इस तरह की प्रक्रिया को अपनाया तो बच्चा मरा हो गई नहीं, सब बढ़िया, आपका स्वस्थ बच्चा पैदा हो सकता है। ये हमारा पुरातन विज्ञान है, गर्भ ज्ञान है, गर्भ विज्ञान है जो हमारे मनु ऋषि कश्यप ऋषि और सुश्रुत ऋषि के द्वारा रचा हुआ एक पूरा एक वैज्ञानिक तंत्र है, उसके द्वारा उसी से ही मैंने लिया है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। जो कुछ उन ऋषि मुनियों ने कहा है ये सत्य है, पुरातन काल में इसका उपयोग किया जाता रहा था, इसलिए आपने देखा होगा बड़े बड़े बलिष्ठ योद्धा सब इस तरह के लोग जो पैदा होते थे, महावीर हुए चाहे कृष्ण हुए चाहे जितने भी बड़े लोग हुए, संत बुद्ध भगवान हुए, इन्हीं कारणों से ये इतने बड़े बड़े संत और इतने बड़े बड़े बलिष्ठ लोग पैदा होते थे। जो हमारे पंडित लोग जो थे वो राजा महाराजाओं को इस तरह का ज्ञान देते थे, वो रहते ही सिर्फ इसलिए थे। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, एक मेरे को जो थोड़ा बहुत ज्ञान है, माताओं बहनों को कष्ट ना हो इसलिए मैंने आया आपको इस वीडियो के मध्य का ही फोन आए थे मेरे पास कि आजकल बड़ी तकलीफ है, बड़े लुट जाते हैं, बहुत परेशानी होती है, गरीब लोग कैसे करेंगे, डॉक्टर लोगों का आपने देखा ही होगा मुसीबत में आदमी फंसा कि फिर उसका गला काटने लग जाते हैं। तो अगर इस तरह से आप प्रक्रिया अपनाएंगे तो बहुत सारी चीजों का आपको ज्ञान हो जाएगा। बाकी कुछ आयुर्वेदिक दवाइयां हैं या सब जैसे रखी है, ये सब दवाइयां जो हम बनाते रहते हैं, लोगों की सेवा करते रहते हैं, कुछ यंत्र भी हैं जो यहाँ रखे हुए हैं, जो ये सब ये महालक्ष्मी यंत्र है, ये अलग है और ये अलग यंत्र है, इस तरह से हम करते रहते हैं। तो मैं पंडित अखिल शुक्ल YouTube के माध्यम से आपको मेरे पास जो थोड़ी बहुत जानकारी थी मैंने आपको दे दिया, आपको अच्छी लगे तो इसको ग्रहण कीजिए, नहीं अच्छी लगे तो आप इसको भूल जाइए। नमस्कार।